गमले की अच्छी मिट्टी कैसे बनाएं, ये आज देखते हैं कि मैं अपने गमलों के लिए अच्छी मिट्टी कैसे बनाता हूँ। ये देखिए मेरा एक 8 इंची का गमला है, ये देखिए 8 इंची का गमला है। इसके नीचे का सबसे पहले तो इस तरह से सूजे से इस तरह का सूजा ले लीजिए और इसे ऐसे चला के इसका होल खोल दीजिए। नीचे का ड्रेनेज होल खोलना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा पानी भर जाएगा तो आपका पौधा मर जाएगा। ड्रेनेज होल खोल जब देख लीजिए खुल गया है, अच्छी तरह से चेक कर लीजिए दोनों तरफ से। जब ड्रेनेज होल खुल जाए तो उसके ऊपर इस तरह से आपको ये देखिए ये जो दीपक होता है जो दिवाली में जलाया जाता है इसको इस तरह से रखना है। इसको इस तरह से देखिए, इस तरह से मैंने ये दीपक रख दिया है और इसके बाद में इसके अंदर सूखे पत्ते, ये देखिए इस तरह से सूखे पत्ते आप इसके अंदर डाल दीजिए। नीचे हरे पत्ते, सूखे पत्ते, जिस तरह के आपके पास पत्ते हैं वो डाल दीजिए। डालने के बाद में आप क्या करना है, जितने मिट्टी, ये देखिए अपने पास ये मिट्टी है, इसमें देखिए मैंने धान की भूसी मिलाई हुई है। ये मेरे पुराने गमले की मिट्टी है जिसमें मैंने धान की भूसी मिलाई थी। अब इसको कैसे बनाना है, ये देखिए जितनी मिट्टी है उतनी ही मैंने यहाँ पे बर्मी कंपोस्ट लिया है। ये बर्मी कंपोस्ट है, ये देखिए बर्मी कंपोस्ट है और ये है नीम की खली, ये नीम की खली है। बर्मी कंपोस्ट आधी और आधी मिट्टी, जितनी मिट्टी उतनी ही बर्मी कंपोस्ट लेनी है और ये लगभग एक अंजुरी, ये जो अंजुल कह दीजिए जैसे इतना जितना आ जाए हाथ में, ये मैंने नीम की खली ली है। 2-3 चम्मच मैंने इसमें ये राख ली है, जो आप कंडे की राख भी ले सकते हैं मगर सबसे अच्छी जो राख होती है पौधों के लिए वो लकड़ी की राख होती है। और ये है स्टोन डस्ट पाउडर, ये कैल्शियम मैग्नीशियम का भरपूर स्रोत होता है। इसको मिलाएंगे तो मिट्टी आपकी सही बनेगी। अब क्या करना है, इन सबको उठा के एक में ही मैं मिक्स कर देता हूँ। ये एक में ही मैंने सबको डाल दिया। अब इनको देखिए इस तरह से मिक्स करना है, ये आपस में सबको एक साथ मिक्स कर दूँ। ये देखिए मैं मिक्स कर रहा हूँ, ये सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए बराबर बराबर मात्रा में मैंने मिट्टी, नीम की खली, मिट्टी, बर्मी कंपोस्ट और धान की भूसी थोड़ी सी मिला लीजिए। इससे कोकोपीट कभी मत मिलाइएगा। मैंने पहले कोकोपीट का खूब प्रयोग किया है मगर बाद में कोकोपीट का मैंने रिजल्ट बहुत गलत पाया, क्योंकि कोकोपीट में मॉइस्चर बहुल करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और नीचे मॉइस्चर बना रहता है, हम ऊपर से पानी डाल देते हैं। अगर कहीं बारिश हो गई, आपका पौधा गमला खुले में रखा हुआ है और कहीं अगर बारिश हो गई तो वो बारिश का पानी गमले में चला जाएगा और लगातार बारिश हुई तो कोकोपीट उस पौधे को में फंगस लग जाती है बहुत जल्दी। मगर मिट्टी कोकोपीट की जगह आप धान की भूसी मिलाइए, जैसे मैंने मिला, ये देखिए हो गया तैयार। अब मैं इसको गमले में भरूंगा, ये देखिए इसकी मदद से मैं ये गमले में भर रहा हूँ। ये देखिए 8 इंची का गमला है, मैं इसमें आज भिंडी का एक पेड़ लगाऊंगा। 8 इंची गमले में एक पेड़ भिंडी का पर्याप्त है, क्योंकि भिंडी की रूट ज़्यादा नीचे नहीं जाती। ये देखिए इस तरह से भर गया और इतना ही आप नाप के लीजिए कि आपकी मिट्टी स्ट्रा ना बने। ये देखिए मेरे मैंने इतना नाप के लिया था कि मेरी मिट्टी स्ट्रा नहीं बनी है। ये देखिए ये पूरा गमला जब भर जाए फिर आपको क्या करना है, फिर इसको एक दिन के लिए आपको छोड़ देना है, मगर ऐसे नहीं, इसमें पहले पानी डालना है। ये देखिए इस तरह से पानी डालना है, ये देखिए ये मेरा पानी डालने का हजारा है। इस तरह से पानी डाल दीजिए, इसको अच्छी तरह से पानी डाल दीजिए। एक दिन के लिए पानी डालने के बाद इसको रखना होगा, इसलिए तुरंत आप पौधा लगा देंगे तो पौधा मर जाएगा क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा होगा। और इस तरह से पानी, ये देखिए धीरे धीरे कितनी जल्दी, ये देखिए पानी कितनी जल्दी गायब हो रहा है, देखो मिनटों में पानी नीचे चला गया। ऐसी मिट्टी बनानी है, इस तरह की मिट्टी नहीं बनानी कि उसके अंदर पानी आपने डाला और पानी भरा हुआ रखा हुआ है, और पानी जब भरा रहेगा तो पौधे की जड़ें रूट सड़ जाएंगी और पौधा मर जाएगा। अगर इस तरह से मिट्टी बनाएंगे, देखिए मैंने मिट्टी में पानी डाला, पानी तुरंत गायब हो गया, नीचे से ये देखिए नीचे से निकलने लगा। इस तरह से मिट्टी बनानी है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी हो कृपया मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। नमस्कार, मैं कानपुर से राजीव कुमार, किचन गार्डनिंग चैनल पर।